दर्शन कर लो अपना आराम से। ये चेक करो भाई साहब, भैया ना परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर में। ये दर्शन कैसा लगा? अच्छा है ना मंदिर? लग नहीं रहा ना दिल्ली में जैसा ये मंदिर, ऐसा लग रहा है वृंदावन बरसाने में पहुंच गए हो, ऐसा लग रहा बाहर आ गए हो। बहुत मतलब खूबसूरत से बनाया गया है ये मंदिर। और ना सब दर्शन करके आ रहे हैं ऊपर से, और यहाँ पर देखो गाइस लड्डू वगैरह भी मिल रहे हैं, माला वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे। ये देखो गाइस सामने फंक्शन वगैरह होते हैं गाइस सामने वाले एरिया में। ये वाला एरिया ना आपका बहुत ही बड़ा एरिया है, यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा रखी है लोग। गाइस अभी जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, शाम को यहाँ पर बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है, सिंगर आने वाले हैं आज यहाँ पर। और गाइस ये चेक करो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था भाई, बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है गाइस। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस अभी के टाइम की बात करूँ ना, फिलहाल अभी बज चुके सुबह के 9। और गाइस अभी का सीन क्या है ना, फिलहाल मैं आया हूँ मंदिर में। अभी मैं कौन से मंदिर में आया हूँ गाइस? मैं आया हूँ अभी इस्कॉन टेम्पल रोनी सेक्टर 25 में, जो कि भाई इसकी परसों ही ओपनिंग हुई है। और गाइस अभी ना एक काम करते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं और कराता हूँ मैं यहाँ के दर्शन आप। इस अभी का सीन क्या है ना, अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ मंदिर के अंदर एंट्री। देखो एक रास्ता ये रहा और एक ये रहा ना, अपना मस्त जा रहा हूँ अंदर। और गाइस इस ब्लॉग में ना आप बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना प्लीज़। और भैया कैसे हो? भैया जो मंदिर की टाइमिंग है वो क्या है? अच्छा आप नए हो, तो गाइस ये भैया नए हैं, तो अंदर चलते हैं। अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा है ना, क्या टाइमिंग है मंदिर की, और ही बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। जो डेकोरेशन कर रखी है ना मंदिर में, भाई कैसा लग रहा है यहाँ के? मस्त लग रहा है ना गाइस। एक चीज़ और, आप रात को आओगे ना तो और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है बढ़िया वाली। गाइस देखो अभी ना मैंने सामने से एंट्री करी है, और ये चेक करो मतलब यार कितना खूबसूरत मंदिर है यार, बाहर से इतना अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप ये सोचो अंदर से कितना अच्छा होगा। तो अभी ना एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराता हूँ मैं आपको है ना। गाइस जो मंदिर की मैंने एंट्री है ना वो सामने से, तो एक काम करते हैं अभी मंदिर के चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं ना। गाइस आप इस वीडियो पर लाइक कर देना प्लीज, और कमेंट में राधे राधे लिख देना जरूर। चलो फिर चलते हैं अभी अंदर मंदिर के। देखो गाइस चलो फिर गाइस चलते हैं अंदर। और यहाँ पर देखो आपके फूल वगैरह मिल रहे हैं, मतलब भैया लोग फूल वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे मेन गेट पे। ये चेक करो गाइस, भैया ये वाली माला कितने की है? 80 की, 80 रुपये की। अच्छा तो गाइस यहाँ पर आपको माला वगैरह मिल जाएंगी लेने के लिए, मतलब अंदर चढ़ाने के लिए। और इसके बाद चल रहे गाइस अंदर। अभी आप ना मंदिर के अंदर का नज़ारा देखो, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। तो गाइस अभी ना हम सामने से ऊपर जाने वाले हैं, मतलब इस जीने से ऊपर जाने वाले हैं। अभी आपको दिखूंगा ऊपर का नज़ारा। और देखो एक जीना ये रहा गाइस, और आपका एक जीना वो रहा। क्रिस इधर आ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? और गाइस देखो यहाँ पर ना भैया लोग मतलब अपना वो कर रहे हैं। भैया कैसे हो? भैया कैसे हो? मतलब भैया टाइमिंग क्या है मंदिर की? सुबह 4:30 बजे आरती होती है। अच्छा उसके बाद पर्दा 5 बजे बंद हो जाता है। पर्दा 5 बजे बंद हो जाता है, आरती होती है 7:30 बजे। 7:30 बजे अच्छा। आज फंक्शन वगैरह आएगा कुछ शाम को यहाँ पे? कीर्तन है। कीर्तन है कितने बजे से? शाम को 5 बजे से। अच्छा और भैया आपके पास मतलब क्या 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 है आपके पास में? प्रसाद वगैरह है ना? तो गाइस यहाँ पर ना भैया के पास प्रसाद वगैरह मिल रहा है, भगवान जी की मूर्ति वगैरह मिल रही है ना। तो गाइस आज शाम को यहाँ पे फंक्शन भी है। देखो गाइस यहाँ पर भैया जी के पास गीता जी भी मिल जाएंगी। इनका प्राइस कितना होगा भैया? 320। और इसकी ओपनिंग कब हुई थी भैया मंदिर की? ओपनिंग हुई थी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल में रामनवमी को। चलो भैया तो गाइस चलो अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइस अभी ना मैं और मेरा भाई ऊपर जा रहे हैं मंदिर के, और आपके राधा रानी जी के दर्शन कराने वाले हैं आपको है ना। भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और कमेंट में राधे राधे लिख देना। चलो गाइस देखो अभी ना हम नीचे से आ रहे हैं, मतलब है ना, और ऊपर वाला एरिया देखो, मतलब कितना खूबसूरत नज़ारा है यार ऊपर है ना। ये चेक करो गाइस, मतलब जो मंदिर बनाया गया है ना गाइस, बहुत ही उससे बनाया गया है बारीकी से। ये देखो गाइस यहाँ से ना भाई पूरा व्यू चमकेगा, नीचे का पूरा व्यू। वहाँ पर भाई खड़ा है, उसके पास चलते हैं। भाई कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना भाई, देखना यार क्या ही नज़ारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सामने जंगल हो गाइस, देखना एक बार दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक व्यू आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल एक नंबर व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, अभी ऊपर चलते हैं और तब दिखाऊंगा मैं आपको। चलो फिर चलते हैं अभी ऊपर। ऊपर जा रहे हैं और जो मार्बल है देखना कितना चमक मार रही है मार्बल में ना यार, बहुत ही अच्छा मंदिर है गाइस, बहुत ही अच्छा। जब आप यहाँ पे आओगे ना
तब आपको फील होगा मंदिर कितना अच्छा है ये। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, और आपको कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके प्लीज़ 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 बता देना कमेंट करके। ये चेक करो गाइस, यहाँ का व्यू चेक करो, खतरनाक भाई खतरनाक, एक नंबर नज़ारा है गाइस, एक नंबर। पहले इधर का नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर अंदर चलेंगे राधा रानी के दर्शन करने के लिए। ये चेक करो मतलब भाई साहब, ये देखो भाई कितना मस्त व्यू आएगा यहाँ से, आप खुद ही सोच लो आप तीसरी मंजिल पर से मंदिर की। भाई दूर दूर तक का नज़ारा चमक रहा है आपको, दूर दूर तक का नज़ारा। ये देखो गाइस, अभी यहाँ से और दिखाता हूँ मैं आपको, है ना भाई खूबसूरत नज़ारा। और गाइस ये चेक करो भाई फाइनल लुक मंदिर की सामने, ये देखो गाइस बहुत अच्छा मंदिर है गाइस, बहुत ही अच्छा। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई आप लोग एक बार ज़रूर आओ यहाँ पर दर्शन करने के लिए जैसे हम आए हैं। तो गाइस अभी ना एक काम करते हैं, अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, है ना। चलो आपके दर्शन कराता हूँ मैं, आप दर्शन कर लो। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ चेक करो गाइस कितना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। ये चेक करो चारों तरफ से, है ना गाइस। और जो अभी हमने एंट्री करी है ना, सामने वाले गेट से करी है एंट्री, और अभी आप सबसे पहले राधा रानी जी के दर्शन करो। सब बैठे अपने मस्त बैठे भाई सब, अपना दर्शन कर रहे हैं आराम से। ये चेक करो गाइस, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस। तो अभी ना एक काम करते हैं, परिक्रमा लगाने के लिए चलते हैं यहाँ पे। आप लोग ना परिक्रमा भी लगा सकते हो, मतलब पास से दर्शन कर सकते हो। चले भाई, चलो गाइस अभी चलते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। आप लोग ना बिल्कुल इस ब्लॉग में बने रहना गाइस। चलो अभी दर्शन करने के लिए चलते हैं, चलो फिर चलते हैं अभी गाइस। देखना यार कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये चेक करो गाइस। अपना सब मस्त दर्शन करा रहे हैं, आप भी दर्शन कर लो अपना आराम से। ये चेक करो गाइस साहब, चलो फिर आगे चलते हैं। और राधा रानी जी देखो गाइस, और गाइस अभी फिर से आगे चलते हैं। और ये चेक करो गाइस राम जी, यहाँ पर ना अभी फिलहाल कीर्तन वगैरह चल रहा है, तो सब अपना आराम से सुन रहे हैं बैठ के, सब बिल्कुल शांति में सुन रहे हैं सब बैठ के। ये देखो दूर दूर तक अपना आराम से बैठे हैं सब, अभी हम भी बैठेंगे, हम भी सुन के जाएंगे। और गाइस ये भैया ना परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर में, देखना गाइस ये भैया लोग ना परिक्रमा लगा के आ रहे हैं मंदिर में राधा रानी जी के। ये चेक करो नीचे, आप फिर से दर्शन कर लो एक बार। भाई कैसा लगा दर्शन करके, मस्त लगा ना भाई? ऐसा लग रहा है ना वृंदावन बरसाना में आ गए हो, है ना। बिल्कुल गाइस ऐसी वाली फील है जैसे बरसाना वृंदावन में आ गए हो, ऐसा तो लगी ना, मतलब जैसे दिल्ली में यही मंदिर है। और यहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी लग रही है मंदिर में। चलो चलते हैं फिर गाइस। और देखो सामने कितने अच्छा लग रहा है यार तस्वीर। दर्शन कर लिया आपने? हाँ मैंने दर्शन कर लिए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक चैनल है। चैनल है आपका? किस नाम से चैनल है? और मेरा चैनल है लाहौरी की उड़ान करके, उसको भी देखें। और भाई के चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो भाई अभी चलते हैं आगे। आपने कर लिए दर्शन? कैसा लगा? अच्छा है ना मंदिर? लग नहीं रहा ना दिल्ली में जैसा ये मंदिर है, ऐसा लग रहा है वृंदावन बरसाने में पहुंच गए हो, ऐसा लग रहा बाहर आ गए हो। बहुत मतलब खूबसूरत से बनाया गया है ये मंदिर। चलो भाई अभी चलते हैं आगे, सबका रिव्यू बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलो अभी ना थोड़ी देर यहाँ पर मतलब कीर्तन सुन के तब चलेंगे अपना घर पे। गाइस एक चीज़ हो रही है, जो बाबा जी है ना उसमें बोल रहे हैं इंग्लिश में, बोल रहे हैं इंग्लिश में। अलग अलग धार्मिक संस्थाओं को एक स्थान पर बुलाकर सामने देखो, देखो इंग्लिश में बोल रहे हैं। And the goal of this festival, September 17th, is the day Srila Prabhupada arrived in America. यार गाइस आप लोग ना यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि हम श्री प्रभुपाद
खुले रास्ते में जा सकते हैं, लोग लोग सकते हैं और जैसे फाइनली गाइस अभी अपने दर्शन तो हो गए और आपके भी हो चुके होंगे आई होप। और गाइस अभी एक काम करते हैं ना, अभी ना नीचे चलते हैं मंदिर के, और यहाँ पर ना गाइस शाम को फंक्शन भी है 5 बजे से, तो अभी ना एक काम करते हैं नीचे चलते हैं और नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है गाइस। और ये चेक करो भाई, झूमर कितना अच्छा लगा रखा है मंदिर में यार, बिल्कुल भाई चमक मार रहे हैं मार्बल पे तो यार। जय श्री राधे। चलो 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 भाई, यहाँ पर ना गाइस दूर दूर से लोग भाग आते हैं घूमने के लिए, ये चेक करो। और गाइस मंदिर में ना शांति बहुत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति है, ऐसा होना भी चाहिए भाई। क्या हुआ मोटे, तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या मंदिर में आके? मस्त लग रहा है ना। तो गाइस अभी मैं आपको बाहर का व्यू चमकाता हूँ यहाँ से फिर से, और उसके बाद नीचे चल देंगे, ठीक है। ये चेक करो एक बार, है ना भाई खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल नेचुरल, जैसे जंगल वगैरह हो ऐसा लग रहा है, जैसे जंगल वगैरह हो। चलो गाइस फिर नीचे चलते हैं अभी, चलो भाई चलो 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 चलो। और गाइस आप लोग आ सकते हो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है, आपने देख भी लिया होगा अब तक तो वैसे भी। चलो फिर चलते हैं गाइस नीचे, अभी सफाई बहुत है यार मंदिर में। मोटा देखो गाइस कैसे भगा जा रहा है आगे आगे। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम तो नीचे आ चुके हैं मंदिर से, और ये नीचे वाला एरिया है ना, और सामने आपका प्रसाद वगैरह मिल रही है, माला वगैरह मिल रही है, और आपके नीचे की तरफ फूल वगैरह मिल रहे हैं, और ना सब दर्शन करके आ रहे हैं ऊपर से। और यहाँ पर देखो गाइस लड्डू वगैरह भी मिल रहे हैं, माला वगैरह भी मिल रही है यहाँ पर, ये देखो गाइस सामने। ये कितने का है? 110 रुपये का है गाइस ये। फाइनली गाइस अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, और अभी ना हम आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं भाई आगे की तरफ हमें क्या ही कुछ मिलता है देखने के लिए। और गाइस यहाँ पर ना भंडारा वगैरह भी होता है, अभी फिलहाल हो नहीं रहा पर यहाँ पर ना भंडारा वगैरह होता है। और गाइस ये चेक करो भाई आज कौन आने वाला है गाइस यहाँ पर, आज ना गाइस यहाँ पर फंक्शन है, आज आपकी 21 तारीख हो चुकी है ना, 21 अप्रैल 2024, और आप यहाँ पर फंक्शन है गाइस, आप आ जाना शाम को। ये देखो गाइस स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब शाम को 7 बजे से फंक्शन स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके भंडारा वगैरह होते हैं जैसे आपको मैंने बताया था। और गाइस देखो अभी जा रहे हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर ना फंक्शन वगैरह होते हैं गाइस सामने वाले एरिया में। ये वाला एरिया ना आपका बहुत ही बड़ा एरिया है, यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा रखी है लोग बागों ने, और वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, मतलब भजन वगैरह होते हैं, कीर्तन वगैरह होते हैं, गाने वगैरह होते हैं, ये सब कुछ होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भंडारे वगैरह तो होते रहते हैं। हमारा मोटा कहाँ गया गाइस, जल्दी आ जा भाई, पता नहीं ये कहाँ रह गया, पीछे रह गया मुझसे। गाइस मैं ना आपको सब कुछ बता रहा हूँ यार मंदिर के बारे में, आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना यार, ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। और गाइस ये ना जो एरिया है, ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे फ्री भंडारा होता है, और देख लो भाई मतलब पंखे वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं, ऐसा नहीं कि गर्मी वगैरह हो रही है, यहाँ पे सब कुछ लगा रखे हैं। और वैसे भी गाइस आज संडे है, तो आज ना बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आने वाली है। गाइस अभी जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, शाम को यहाँ पर बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है, सिंगर आने वाले आज यहाँ पर। और गाइस ये चेक करो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था भाई बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर। और अभी भैया से पूछते हैं यहाँ पर कब, भैया फंक्शन का भी स्टार्ट है शाम को यहाँ पे, कितने बजे से स्टार्ट है? 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से। अच्छा आज कौन आने वाला है वैसे यहाँ पे, ये पता नहीं है, कब तक चलेगा भैया ये भाई? चलो गाइस तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाता हूँ यहाँ पर अभी क्या क्या मिलने वाला है हमको देखने के लिए। गाइस देखो यहाँ पर ना आपके
फ्री भंडारे हैं, फ्री में खा सकते हो कुछ भी आके मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है खाने वाने की। और देखो बड़े बड़े कूलर वगैरह भी, ऐसे नहीं गर्मी है भाई, गर्मी नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। चलो भाई चलते हैं अभी फिर बाहर की तरफ और दिखाते हैं बाहर क्या क्या मिलता है देखने के लिए। ये ना सब जो भी आ रहे हैं ना मंदिर की तरफ से आ रहे हैं दर्शन करके, चलो हम भी चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी इस वाली एरिया से चलते हैं बाहर और दिखाते हैं बाहर क्या क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। यार डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी कर रखी है, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। डेकोरेशन कैसे कर रखी है, मस्त ना एकदम भाई, लग ही नहीं रहा जैसे हम दिल्ली में घूम रहे हो। और यहाँ पर वाटर कूलर लग रहा है सामने, देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाने पीने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ कुछ भी। चलो फिर चलते हैं गाइस। अभी ना मैंने आपको देखो मंदिर के दर्शन करा दिए, सब चीज़ के दर्शन करा दिए यहाँ पे, और सब कुछ बता दिया यहाँ के बारे में। यार आप प्लीज़ लाइक कर देना यार वीडियो को, अगर भाई आप लाइक करते हो ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने अपने स्लीपर काटे थे, स्लीपर पहनेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के तरफ को। मंदिर को बोलते हैं बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से। भाई हम जा रहे हैं और सब आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम ना टाइम से आ गए थे यहाँ पे, हम आ गए थे यहाँ पर गाइस 8 बजे, 8 या 9 बजे के लगभग आ गए थे, मुझे टाइम थोड़ा याद नहीं है। और जो भाई यहाँ पर रात को लाइटिंग होने वाली है ना आज गाइस, एक नंबर लाइटिंग होने वाली है यहाँ पे। और जो ये रास्ता जा रहा है ना गाइस, ये बाहर की तरफ को जा रहा है, मैं व्लॉग इसलिए कंटिन्यू रख रहा हूँ क्योंकि आपको रास्ता कहीं पता लग जाएगी, है ना भाई। और गाइस ये यहाँ की क्या है, ये यहाँ की है पार्किंग, गाड़ी की भी और बाइक की भी दोनों चीज़ की पार्किंग है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे भी। और नहीं खाने पीने की दिक्कत है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को, है ना भाई, है भाई मोटे भाई, है नहीं। तो गाइस हम ना मतलब बाहर जा रहे हैं और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना क्योंकि आपको ना जिसको रास्ते की नहीं पता ना उसको रास्ते की पता लग जाएगी। भाई इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है यार, निकल जाना साइड में को, इतना रास्ता पड़ा है फिर भी हॉर्न बजा रहा है यार। चलो गाइस चल रहे हैं यार बाहर, और जो धूप है ना भाई गर्मी कैडी वाली हो चुकी है। और देखो फाइनली हम आ चुके हैं अभी एक्सिट निकल के, मतलब मेन रोड पर आ चुके हैं। भाई थोड़ा एड्रेस बताओ यहाँ को सामने को आके, मुझे तो पता नहीं है दिल्ली के बारे में थोड़ा। सेक्टर 25 रोहनी जो भाई देखो, सबसे पहले आप रिठाला मेट्रो पे पहुँचना, ठीक है। और उसके बाद भाई भाई रिठाला से मैं आपको मयूरी मिलेगी 10 रुपये में, आपको यहाँ पर मेन रोड पर उतार देगी, उसके बाद में आप यहाँ पर अपना आराम से दर्शन करने आ सकते हो, है ना भाई। चलो भाई चलते हैं बाहर, अभी ना गाइस हमने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ की। तो फाइनली गाइस अभी मैं और मेरा भाई आ चुके मंदिर से बाहर। भाई हमने तो दर्शन कर लिए, आप कमेंट करके बताओ आप दर्शन करने के लिए कब आ रहे हो और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, ये भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपको फुल जानकारी दे दी हमने, रिठाला से आपको जाना है कहाँ पर बताना भाई, सेक्टर 25 रोहनी। और उसके बाद भाई इस्कॉन टेम्पल बोल देना राजा रानी जी का, मयूरी वाला आपको सीधा मयूर उतार देगा। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बता देना, अगर अच्छी लगी हो ना तो गाइस लाइक कर देना यार इस वीडियो को। तो चलो भाई दर्शन कर दिए, आप अच्छा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है दर्शन करके, एकदम मस्त गाइस, हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दर्शन करके। और एक चीज़ और भाई, मंदिर में जाने के बाद ऐसा लग रहा था ना दिल्ली में है ही नहीं भाई, ऐसा लग रहा है मथुरा वृंदावन बरसाना में, क्योंकि भाई मंदिर है ना, ये मंदिर गाइस 15 साल से बन रहा था, 15 साल से, और कल परसों इसका उद्घाटन हुआ है, तो इसलिए भाई। चलो गाइस अभी हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो भाई अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं जाए तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।